आज की वीडियो में बात करेंगे रियलमी नाजो 30 4G डिवाइस की, जो काफी ज्यादा वेट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में नियोट को कब तक प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपके डिवाइस में नियोट के साथ में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे और फाइनल किस डेट तक आपके डिवाइस में जनवरी मंथ का लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलेगा। वीडियो को स्टार्ट से अंत तक जरूर देखना ताकि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं रियलमी नाजो 30 4G डिवाइस के नियोट के बारे में। सबसे पहले आपको अपने डिवाइस की सेटिंग में आना है। सेटिंग में जाने के बाद सॉफ्टवेयर क्लिक करना है। आप सॉफ्टवेयर पर क्लिक करोगे तो वहां पर आपको कोई पुराना अपडेट शो हो रहा है तो पहले आपको उस अपडेट कर लेना है। उससे क्या होगा कि आपके डिवाइस जो न्यू अपडेट आएगा वह फर्स्ट टाइम शो हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जनवरी मंथ का जो अपडेट आएगा वो कब तक प्रोवाइड किया जाएगा आपके डिवाइस में। तो 20 से 25 जनवरी के आसपास आपको डिवाइस में न्यू अपडेट देखने को मिलेगा 2024 में। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके डिवाइस में उस अपडेट के साथ में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो जनवरी मंथ के लेटेस्ट सिक्योरिटी पेच अपडेट को प्रोवाइड किया जाएगा। डिवाइस के सिस्टम की स्टेबिलिटी की परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया जाएगा उस अपडेट के थ्रू। यहाँ पर आपके डिवाइस में बैटरी लाइफ को इंप्रूवमेंट किया जाएगा। अगर आपके डिवाइस की बैटरी जो ड्रेन हो रही है उसे भी यहाँ पर फिक्स किया जाएगा। डिवाइस के नेटवर्क सेक्शन में काम किया जाएगा। अगर आपके डिवाइस का जो नेटवर्क कम ज़्यादा होता है उसे भी यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। और आपके डिवाइस के कैमरे सेक्शन में भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाले हैं। डिवाइस की होम स्क्रीन पर भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा कोई भी जो मतलब जो ऐड किया जाएगा फीचर्स को। और यहाँ पर आपके डिवाइस में जो भी छोटे मोटे इशू या बग वगैरह देखने को मिल रहे हैं उन्हें अब सॉल्व किया जाएगा आपके डिवाइस में। तो बहुत जल्द आपको न्यू अपडेट देखने को मिलने वाला है, तो आपको वेट कर लेना है थोड़ा सा। यानी यहाँ पर इस वीडियो में इतने